बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेदर लेक्चर ऑफ दिस सीरीज। सो द लेक्चर इज सिक्स्थ वन। काफी अरसे के बाद मुलाकात हो रही है आपसे। सिक्स्थ लेक्चर आज हम डिस्कस करने वाले हैं और आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है हमारे पास मोमेंट। तो चलें, ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते, अपने टॉपिक की तरफ ही चलते हैं कि मोमेंटम क्या है। चलें, so I have to share the screen in front of you। मेरे नोट्स की स्क्रीन में आपके साथ लाजमी शेयर करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है मेरे फेसबुक पेज से ये सारी चीजें देखते होंगे। मैंने आज ही इन चीजों को जो है वो शेयर कर दिया था अपने पेज के ऊपर। तो चलें हम अपने टॉपिक का डिस्कस कर लेते हैं और हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम हम किसे कहते हैं? एंड डियर स्टूडेंट्स, कुछ हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो दर हकीकत कोलिजन में ट्रांसफर होती हैं या कंजर्व वगैरह भी आप उसे कह सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास दो बॉडीज हैं, ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है। जब ये दोनों आपस में टकराएंगी, ठीक है, जब ये दोनों आपस में टकराएं तो टकराने के बाद कौन सी क्वांटिटीज हैं जो चेंज हो सकती हैं, या कौन सी क्वांटिटीज हैं जो सेम रह सकती हैं, या कौन सी क्वांटिटीज हैं जो कंजर्व रह सकती हैं? तो उन क्वांटिटीज में से ही एक क्वांटिटी है जिसका नाम क्या है? मोमेंटम। यानी इसका ज्यादातर जो कॉन्सेप्ट होता है वो किसके साथ होता है? वो होता है कोलिजन के दौरान। मोमेंटम की अगर डेफिनेशन पर आएंगे तो मोमेंटम की डेफिनेशन होती है क्वांटिटी ऑफ मोशन। यानी कि जब कोई भी बॉडी मोशन में आ जाती है तो मोशन वाली क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मास या मैटर इन मोशन। जब कोई भी मैटर किस में आ जाए? मोशन में आ जाए। जब कोई मास मोशन में आ जाए तो हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे कि इट हैज अ मोमेंटम, उसके पास मोमेंटम है। मोमेंटम की दूसरी डेफिनेशन मैथमेटिकल अरेंजमेंट में क्या बनती है कि ये प्रोडक्ट है, इसका प्रोडक्ट है मास एंड वेलोसिटी का, ठीक है। मैं वर्ड अगर प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करना चाहूँ तो वर्ड प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? वर्ड प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन। यानी कि यहाँ पर दो टर्म्स की मल्टीप्लीकेशन होने वाली है, और कौन से दो टर्म्स हैं? मास एंड वेलोसिटी। एक बड़ा मुझे अच्छा सा ऑब्जेक्टिव जहन में आ रहा है इसके प्रोडक्ट के साथ रिलेटेड, और वो ऑब्जेक्टिव कुछ यूं था कि ये जिस प्रोडक्ट की बात कर रहा है एमसीक्यूज में कुछ ऐसा था कि वो स्केलर प्रोडक्ट होता है या क्रॉस प्रोडक्ट होती है। देखें, वेक्टर के केस में आपने पढ़ा होगा कि स्केलर प्रोडक्ट भी वेक्टर्स के बीच में होती है और जो वेक्टर प्रोडक्ट होती है वो भी वेक्टर्स के बीच में होती है। लेकिन यहाँ पर दोनों वेक्टर्स नहीं है बल्कि मास स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी कौन सी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको ना आप स्केलर कहेंगे ना आप इसको वेक्टर कहेंगे, इट इज अ सिंपल प्रोडक्ट। ये कौन सी प्रोडक्ट है? सिंपल प्रोडक्ट। सिंपल प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि ना स्केलर प्रोडक्ट होगी ना वेक्टर प्रोडक्ट होगी। मैं यहाँ पर क्लियरली लिख लेता हूँ दैट इट इज अ सिंपल प्रोडक्ट। और ये किसके बीच में सिंपल प्रोडक्ट है? ये मास और वेलोसिटी के बीच में सिंपल प्रोडक्ट है। मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय पी, ठीक है, उसके ऊपर एरो दे देंगे, इट मींस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और इस रीजन की वजह से ये वेक्टर क्वांटिटी है, इस रीजन की वजह से ये जो है इन इलास्टिक कोलिजन में भी कंजर्व रहती है। जो मोमेंटम है वो इन इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व रहती है बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। चलें मजीद डिस्कस कर लेते हैं, मोमेंटम किसके बराबर है? मल्टीप्लीकेशन। और किसकी मल्टीप्लीकेशन? मास और वेलोसिटी की। तो मास स्केलर क्वांटिटी हो गया, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अब अगर आपको मोमेंटम का डायरेक्शन चाहिए तो मोमेंटम का डायरेक्शन कौन सा होगा? मोमेंटम का डायरेक्शन वो डायरेक्शन होगा जो एज इट इज वेलोसिटी का होने वाला है। सो मोमेंटम हैज द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ वेलोसिटी। अब अगर मोमेंटम के यूनिट पर आएंगे तो मोमेंटम किसके बराबर है? एम इन टू वी। अब मास का यूनिट क्या होता है? केजी। और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो दिस वन इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम, ये मोमेंटम का यूनिट है। या इसका दूसरा यूनिट क्या होता है? न्यूटन इंटू सेकेंड। इसके प्रूफ के थ्रू नहीं जाते, थोड़ा सिंपल सा प्रूफ है, आप उसको छोड़ दें। मैं एमसीक्यूज पॉइंट ऑब्जेक्टिव्स आपको बताता जाऊंगा कि मोमेंटम का यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड है या मोमेंटम का दूसरा यूनिट क्या है? न्यूटन सेकेंड। चले मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, देखें केजी मीटर पर सेकेंड, इसको सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई भी करें और सेकेंड के साथ डिवाइड भी करें। तो अब फार्मूला क्या बन जाएगा? केजी को सेम रखें, मीटर ऊपर सेम रहेगा, सेकंड सेकंड मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो बिकम सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड। अब ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर है? न्यूटन, और न्यूटन इनटू सेकंड हो गया। यानी केजी मीटर पर सेकंड भी यूनिट है या न्यूटन इनटू सेकंड भी यूनिट है। मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, मैंने आपको पहले बता दिया। अब मोमेंटम का डायरेक्शन कौन सा होगा? सेम एज दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मोमेंटम का डायरेक्शन वही होने वाला है जो किसका डायरेक्शन है? वेलोसिटी का डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर एनर्जी और मोमेंटम के बीच में एक छोटा सा रिलेशन बनता है, वो रिलेशन मैंने यहाँ पर लिख दिया है।
ठीक है, लेकिन इस रिलेशन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि ये रिलेशन कहाँ से मिलता है। तो चले मैं यहाँ से इसको साइड से एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि ये रिलेशन हमें कहाँ से मिलेगा। डियर व्यूवर्स, आपने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पढ़ा है। अच्छा, इस चीज को जरा गौर से समझिएगा, क्योंकि मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा कोलिजन पर, ठीक है, और कोलिजन के बाद जो है हम मजीद डिस्कस करेंगे किसके ऊपर, एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान में रिलेशन। अभी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, अब इस इक्वेशन को एम के साथ मल्टीप्लाई भी करें एंड डिवाइड भी करें, ठीक है, तो 1/2 mv² मल्टीप्लाई भी एम के साथ करेंगे और डिवाइड भी एम के साथ करेंगे। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे मोमेंटम का फार्मूला चाहिए। और 1/2 को आप सेम रखें, इस एम को इस एम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इट बिकम एम स्क्वायर, और ऊपर से वी स्क्वायर सेम बचेगा। डिनोमिनेटर में भी क्या बचा, मास बचा। तो अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या बचा, 1/2 m × v को अलग करके उसको आप होल स्क्वायर कर दें और डिवाइडेड बाय m, ठीक है। अब मास इंटू वेलोसिटी किसके बराबर किया, मोमेंटम के, तो ऊपर दे दें मोमेंटम उसका स्क्वायर, डिनोमिनेटर में ये 2 और ये m, तो डिनोमिनेटर में 2 डिवाइडेड बाय m। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या बना, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बना मोमेंटम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 m। ये फार्मूला याद रखिएगा, मुझे आगे चल के इस पर एमसीक्यूज करने हैं आज के ही लेक्चर में। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हुई, मोमेंटम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 m। याद रखिएगा इस चीज को, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा एनर्जी और मोमेंटम का, उसमें भी हम इस फार्मूले को मजीद मोर डिस्कस करेंगे। तो लेकिन ये फार्मूला था मेरे जहन में, तो मैंने इसी लेक्चर में ही आपको समझा दिया। आप डायरेक्ट फार्मूला याद कर लें तब भी आपकी मर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हुई मोमेंटम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 m। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो मैं क्लियर ऑल रैंक्स करके आगे की तरफ मूव करके चलते हैं। चलें, अब उससे पहले हम थोड़ा सा इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को भी देख लेते हैं। मैं व्हाइट बोर्ड पर समझा देता हूँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखें फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला हमारे पास ये है कि जो मोमेंटम है वो किसके बराबर है, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। अब अगर अब मैं आपको कहूं कि पहला केस इसका ये है कि अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट हो, सबसे पहला केस ये है, ठीक है। अगर वेलोसिटी को कांस्टेंट रखेंगे तो मोमेंटम और मास का आपस में क्या रिलेशन बनेगा, इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। याद रखिएगा इस चीज को। तो अगर मैं दोनों के दरमियान में आपसे ग्राफ पूछूं, किसके दरमियान में, मोमेंटम और मास के बीच में, जबकि वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्या ग्राफ मिलने वाला है, एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाली। तो पहला केस याद कीजिएगा, अगर मोमेंटम वेलोसिटी कांस्टेंट रखेंगे तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास और हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है। अच्छा, इसका पहला केस ये है, फर्स्ट वन दे देता हूँ। उसके बाद हम इसके सेकंड केस की तरफ चलते हैं। इसका सेकंड केस क्या है, इसका सेकंड केस कहता है कि मोमेंटम का फार्मूला मास इंटू वेलोसिटी है। अब अपने मास को कांस्टेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर हम मास को कांस्टेंट रखेंगे तो मोमेंटम और वेलोसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ठीक है। अब इसी तरीके के साथ मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ क्या बनेगा, मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच में वो भी अगेन एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये होता है कि एक क्वांटिटी बढ़े तो बदले में दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती जाएगी। इसी तरीके के साथ लेट्स मूव टुवर्ड्स इट्स थर्ड केस, इसके थर्ड केस की तरफ चलते हैं। अब मोमेंटम का फार्मूला ये है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे जो है वो मोमेंटम को कांस्टेंट रखना है और मास और वेलोसिटी का रिलेशन चाहिए, तो ये वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड आके क्या करेगी, डिवाइड करेगी, ठीक है। तो मास किसके बराबर हुआ, मास बराबर हुआ मोमेंटम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। इफ द मोमेंटम इज केप्ड कांस्टेंट, इफ पी इज कांस्टेंट, तो मास और वेलोसिटी का आपस में क्या रिलेशन बनेगा, इनवर्स। मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी या इनवर्स वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो अब अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ मास और वेलोसिटी के बीच में, तो ये वेलोसिटी ये मास, तो हमें कुछ ऐसा ग्राफ मिलने वाला है, कर्व। सीधा पाथ नहीं मिलेगा बल्कि हमें कर्व मिलेगा। तो ये थोड़ी सी फॉर्मेशन आपको याद करनी है इन टर्म्स के बीच में। तो ये तीसरा ग्राफ है, इसका आपने ध्यान में रखना है, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन। अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा जिसमें हमने क्या पढ़ा, जिसमें हमने ये पढ़ा कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर है, वो बराबर है मोमेंटम स्क्वायर बटे 2 m, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का आपस में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन उसके स्क्वायर के साथ, सही है। तो अब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का आपस में रिलेशन पूछूं, तो ये एनर्जी है, ठीक है, और ये मोमेंटम का स्क्वायर है, सही है। तो हमें क्या मिलेगा, हमें डायरेक्ट लाइन मिलेगी, बिकॉज इफ एम इज कांस्टेंट देन काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। जो काइनेटिक एनर्जी है मोमेंटम के साथ क्या प्रोपोर्शनल रखेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखेगी, लेकिन मोमेंटम का स्क्वायर याद कीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके के साथ अगर मैं आपको कहूँ, अच्छा ये इसका फोर्थ वन है। अब अगर इसके फिफ्थ वन ग्राफ को अगर हम देखें, फिफ्थ वन ग्राफ क्या, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में,
तो जब हम काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में ग्राफ बनाएंगे, जस्ट मोमेंटम, मोमेंटम का स्क्वायर नहीं बल्कि मोमेंटम, तब हमें जो ग्राफ मिलेगा कुछ इस फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ, सही है। अब इसको हम एक्सपोनेंशियल ग्राफ क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर के साथ बढ़ेगा। कैसे, अगर मोमेंटम 2 times हो जाएगी तो एनर्जी 4 times हो गई, मोमेंटम अगर 4 times हो जाएगी तो एनर्जी जो है वो 16 times के बराबर हो जाएगी। तो इसी तरीके के साथ हमें इसके रिलेशन फाइंड करने। तो अगर एनर्जी और मोमेंटम पूछे तो आप कहेंगे ये ग्राफ है, अगर एनर्जी और मोमेंटम का स्क्वायर पूछे तो ये ग्राफ। तो ये 5 graphs आपने जहन में रखने हैं। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो हम आगे की तरफ चलते हैं। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल याद कीजिएगा, आगे चल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट भी आएगा, इसी चीज को मैं आगे चल के प्रूफ भी करूंगा। चलें तो मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूं आपके साथ, इसको हम आगे मजीद की तरफ लेके चलते हैं। भाई ये ग्राफ है 5 जो मैंने डिस्कस करवा दिए, ठीक है। अब मोमेंटम को हम जो है वो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के साथ रिलेट करते हैं, मोमेंटम एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन आपको पता है कौन सी, एफ इज इक्वल टू एम ए, है ना। जो फोर्स है वो किसके बराबर होता है, फोर्स बराबर होता है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। जूम कर लेते हैं ताकि क्लियर ही नजर आए। चले सो फोर्स का हमें फार्मूला क्या मिला, फोर्स का हमें फार्मूला मिला मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था डेल्टा वी डिवाइडेड बाय टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक ही जगह पर हम ये रखेंगे डेल्टा वी डिवाइडेड बाय टी, ठीक है। अब मास को एज इट इज रखा, अगर वेलोसिटी को चेंज करेंगे, देखिए मोमेंटम का फार्मूला क्या था, मास इनटू वेलोसिटी। अब मास को एज इट इज रखा, अगर वेलोसिटी चेंज करेंगे तो बदले में मोमेंटम भी क्या होगी, चेंज होगी। तो इसी तरीके के साथ ये जो डेल्टा वी है ये दर हकीकत मोमेंटम की चेंज को शो कर रहा है। तो एम इंटू डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी का क्या मतलब है कि भाई मोमेंटम की चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फोर्स किसके बराबर हुआ, डेल्टा पी डिवाइडेड बाई टी। तो मोमेंटम को हम फोर्स के टर्म्स में कैसे लिख, फोर्स को मोमेंटम के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, दैट फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और वर्ड रेट की मीनिंग आपको पता है, याद रखिएगा ये डेफिनेशन है फोर्स की। फोर्स का एक फार्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो दूसरा फार्मूला डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी है, और दोनों की एक ही बात है, दोनों कोई अलग अलग चीज नहीं है, ठीक है। अब चलें इसी को मजीद आगे कर, मतलब कहने का मतलब ये कि अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगेगा तो उसकी मोमेंटम चेंज होगी। सिंपली मोमेंटम चेंज का मतलब है वेलोसिटी चेंज होगी, अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इनडायरेक्टली सेम ही कॉन्सेप्ट हमें मिल रहा है। अब हमें क्या कर दिया, हमने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, इस फार्मूले को हमने कैसा चेंज कर दिया, यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने ये जो डेल्टा टी डिनोमिनेटर में है ये इस साइड मल्टीप्लाई करके चला जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा पी किसके बराबर हुआ, फोर्स इंटू डेल्टा टी। अब ये जो डेल्टा पी है या फोर्स इंटू डेल्टा टी, ये इस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं, ठीक है। अब इम्पल्स क्या है, इस इम्पल्स पर आके हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चले तो अभी हमने जो फार्मूला लिखा, वो फार्मूला हमारे पास क्या था, वो फार्मूला हमारे पास था चेंज ऑफ मोमेंटम, क्योंकि हमने लिखा ना कि भाई जो डेल्टा पी है वो किसके बराबर है, वो बराबर है फोर्स इनटू गिविंग टाइम, ठीक है। तो चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर है, इंपल्स के बराबर है। दो किस्म की चेंज है, एक चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, दूसरी जस्ट चेंज ऑफ मोमेंटम है। चेंज ऑफ मोमेंटम इंपल्स है, लेकिन टाइम के हिसाब से मोमेंटम की चेंज हमारे पास क्या है, फोर्स है। तो ये दो चीजें आपने जहन में रखनी है, एक टाइम के हिसाब से, दूसरा टाइम के हिसाब से नहीं है। तो टाइम के हिसाब से अगर नहीं हो तो हम उसे इंपल्स कहते हैं। भाई ये जो डेल्टा पी है ये चेंज ऑफ मोमेंटम है, और चेंज ऑफ मोमेंटम का क्या मतलब है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये रहा फाइनल, ये रहा इनिशियल, एम वी एफ माइनस एम वी आई इज इक्वल टू एफ इन टू टी, ठीक है। क्योंकि मोमेंटम का मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो चेंज हमने कर लिया तो ये एम वी एफ माइनस एम वी आई हो जाएगा इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। अब इसी फार्मूले को हम इवेल्युएट करते हैं इम्पल्स के साथ, और इम्पल्स का थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि भाई दरहकीकत इस इम्पल्स को हम क्या कहते हैं। चले डियर व्यूवर्स, हम एक मजीद एक अच्छा एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम इस गिविन जो टी है ना इस फार्मूले में, इसको थोड़ा सा मैं इलाबोरेट कर, ये फोर्स इंटू टाइम जो है ये बराबर है एम बी एफ माइनस एम बी आई। यहाँ पर जो टाइम यूज हुआ है ना, इस टाइम को हम क्या कहते हैं, इस टाइम को हम कहते हैं टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट। होता क्या है कि जब दो बॉडीज आपस में फिजिकली कॉन्टेक्ट में आती है ना, तो जब वो फिजिकली कॉन्टेक्ट में आए तो उनको कुछ ना कुछ वक्त लगेगा उनके कॉन्टेक्ट में। तो ये जो वो टाइम है, मतलब जब वो दोनों कॉन्टेक्ट में है, दोनों कॉन्टेक्ट में है, तो जो टाइम गुजर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इस टी को कहते हैं टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट। अब होता कुछ यूं है कि अगर मैं किसी हार्ड मटेरियल को, जैसे मेरे पास ईंट है ब्रिक, अगर मैं ईंट को, ठीक है, अगर मेरे पास ये एक ईंट है और ईंट को अगर मैं जो है वो किक कर रहा हूँ अपने जो है ना पाँव से, तो मुझे ये ज्यादा हिट करेगी, ठीक है। क्यों ज्यादा हिट करेगी, क्योंकि मेरे पाँव में और ईंट में जो टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट होगा वो बिल्कुल कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि वो हार्ड मटेरियल है,
वो बेंड नहीं हो सकता, वो मुड़ नहीं सकता, है ना, उसको तो ईंट को तो हम मोड़ नहीं मोड़ा नहीं सकते। इसी तरीके के साथ दूसरा होता है हमारे पास सॉफ्ट मटेरियल, जैसे मेरे पास फुटबॉल है। अब फुटबॉल को अगर मैंने जो है ना धक्का लगाया, कुछ भी किया, तो वो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा अंदर की तरफ चला जाएगा। अब वो जो अंदर की तरफ जा रहा है, इसका क्या मतलब है कि टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट बढ़ रहा है। तो अगर टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट बढ़ेगा तो आपको जो है ना कम ये चीज हर्ट करे, लेकिन टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट अगर कम होगा तो वो ज्यादा चीज हर्ट करे। तो यही चीज हमने यहाँ पर लिखी है कि फॉर सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स द टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट इज मोर एज कम्पेयर टू हार्ड ऑब्जेक्ट्स। हार्ड ऑब्जेक्ट्स भाई, ईंट पर भी अगर हम हिट करेंगे और फुटबॉल पर भी हिट करेंगे तो टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट किसमें ज्यादा लगेगा, फुटबॉल में ज्यादा लगेगा। क्यों? कि वो थोड़ा सा अंदर की तरफ चला जाएगा क्योंकि उसमें गेज प्रेजेंट। ठीक है, इसी तरीके के साथ वाई फोर्स एक्सपीरियंस्ड वाइल कोलाइडिंग विथ हार्ड ऑब्जेक्ट इज मोर एज कम्पेयर टू सॉफ्ट ऑब्जेक्ट। यही रीजन है कि जब मैं ईंट को किक करूंगा तो मेरे पाँव में ज्यादा हर्ट होगा, ज्यादा फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट शॉर्ट है। तो अगर टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट को आप कम करेंगे तो फोर्स ज्यादा लगेगा। ये थोड़ा सा याद कीजिएगा, टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट कम होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा। ठीक है, और अगर टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट ज्यादा होगा तो फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। तो ये थोड़ा सा इंपल्स में रिलेशन याद कीजिएगा। अब हकीकतन जो इंपल्स का रिलेशन है ना वो ये है, बाकी ये जो रिलेशन है इसे हम नॉन इंपल्सिव फोर्स कहते हैं, लेकिन ये क्या है हमारे पास, इंपल्सिव फोर्स। ठीक है, चलें आगे की तरफ चलते हैं ताकि आपके लिए ये चीज फिर मोर सिंपलीफाई हो जाए। चलें, ये एक एग्जांपल है, इसमें हमें पता चल जाएगा कि फोर्स किसमें ज्यादा लगने वाला है या किसमें कम लगने वाला है। चलें, हमें कहा गया कि हमने किसी भी बॉल को जो है वो सर्टेन हाइट से फेंका, किसी बंदे को, बंदे का मास कितना है, 50 kg, वो इस हाइट से हमने फेंका, और हाइट कितनी है उसकी, 20 मीटर है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी बॉल की क्या है, और सॉरी बंदे की क्या है, इनिशियल स्पीड 0 मीटर पर सेकेंड। जब अब उसने जमीन की तरफ हिट किया तो कोलाइड करने से, स्ट्राइक करने से थोड़ा पहले उसकी जो फाइनल स्पीड थी उसको हम कैसे ढूंढते हैं, अंडर इक्वल टू जी एच। ये फार्मूला हमें कहाँ से मिलता है, ये फार्मूला हमें मिलता है अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 gh, यहीं से फार्मूला हमें मिलता है। ठीक है, तो वी एफ, अब हाइट कितनी है 20 मीटर की, जी की वैल्यू 10 है और 2 तो कांस्टेंट है, तो वी एफ कितनी मिली, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब अगर हम फोर्स का अमल मालूम करना चाहें तो फोर्स इंटू टाइम किसके बराबर है, एम वी एफ माइनस एम वी आई। अब वी आई 0 है तो एम वी आई का टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एम वी एफ ही बचेगा। अब जब मैं जमीन के साथ टकराऊंगा तो मुझे टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट कम लगेगा। क्यों? कि मेरे टकराने से जमीन अंदर की तरफ नहीं चली जाएगी। ठीक है, तो यही कॉन्टेक्ट है, मतलब टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट बिल्कुल शॉर्ट लगेगा, तो उसको हम 1/100 कर देते हैं, मतलब 0.01 सेकेंड्स। तो ये हमारे पास हो गया 50 × 20 1000। ये जो है वो डिवाइड कर रहा है इसे, ताकि क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1/100, या 100 डिवाइड कर रहा है इसे जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, वी गॉट 10^5 न्यूटन, यानी 1,00,000 न्यूटन हम पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। और ये बड़ा इजी है किसी बंदे को मारने के लिए कि आप 1,00,000 न्यूटन उस पर फोर्स लगा रहे हैं। समझ आया, मतलब जमीन के साथ जैसे कांटेक्ट करेंगे ना, टाइम ऑफ कांटेक्ट कम है तो फोर्स का अमल ज्यादा लगने वाला है। भाई यही तो रीजन है ना हम हेलमेट क्यों पहनते हैं, इसी रीजन की वजह से पहनते हैं कि टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट बढ़ जाए। जब सडनली एक्सीडेंट होता है ना किसी कार का, तो उस कार की सीट्स में क्या लगी होती है, एयर बैग्स लगी होती है, एयर बैग्स खुल जाती है। क्यों खुलती है? क्योंकि जब आप सामने वाली सीट के साथ हिट कर रहे हैं ना, ठीक है, तो वो जब आपका सर एयर बैग्स के साथ लगेगी वो टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट को बढ़ा दे, जब वो टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट को बढ़ाएगा तो फोर्स का अमल कम लगेगा। तो टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट जितना कम फोर्स ज्यादा, जितना ज्यादा उतना फोर्स कम। ठीक है, तो इन चीजों को आपको जो है वो ध्यान में रखनी है। तो हमने टाइम को 1/100 सेकेंड कंसिडर किया था यहाँ पर। इसी तरीके के साथ अगर हम सेम सिचुएशन को किसी सॉफ्ट मटेरियल के साथ हिट करें, ठीक है, हमें पता है कि सॉफ्ट मटेरियल के साथ क्या होगा कि टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट बढ़ेगा, सही है, तो टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट को हम कर देते हैं 2 सेकेंड्स। अब यहाँ पर हमने जब इस चीज को ऑब्जर्व किया, पूरे फार्मूले को रखकर, तो हमें फोर्स की वैल्यू कितनी मिली, 50 न्यूटन, यानी हार्ड मटेरियल के लिए 1,00,000 न्यूटन था, और हमें सॉफ्ट मटेरियल के लिए, जैसे हमारे पास एयर बैग से, तो उसके लिए हमारे पास कितना फोर्स मिला, 50 न्यूटन का फोर्स मिला। तो फर्क समझ आ रहा है भाई, वहां पर फोर्स का इफेक्ट कम क्यों है, क्योंकि टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट बढ़ रहा है। तो जितना टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट बढ़ेगा उतना फोर्स कम, जितना टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट कम होगा फोर्स उतना बढ़ेगा। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ये हार्ड और सॉफ्ट मटेरियल के साथ यही चीजें होती हैं। अब अगर मैं आपको कहूं कि भाई आपने जो है वो किसी पलंग पर जंप मारना है और दूसरा जो है वो किसी ईंट के पलंग पर जंप मारना है, तो ऑब्वियसली ईंट के पलंग पर जंप मारना डिफिकल्ट होगा। क्यों? क्योंकि
इम्पल्स का भी कॉन्सेप्ट आता है वहां पर, वो जो टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट की हम बात कर रहे हैं ना, तो यही चीज होती है। अब ये जो इम्पल्स है ये एक फेनामिना है, ठीक है, चेंज ऑफ मोमेंटम है, तो इसका यूनिट सेम होगा मोमेंटम वाला, और ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन सेम होगा जिस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होने वाला है, ठीक है। चलें मजीद हम आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आगे हमारे पास डिस्कशन में और क्या क्या चीजें बचती हैं। फिर भी जो अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलें मैं आगे की तरफ मूव करना चाहूंगा। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की तरफ मूव कर लेते हैं, लेकिन इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिस्कस करने से पहले मैं जो है वो कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ। ओके, सो मैं कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करना चाहूंगा। ये पहला एमसीक्यूज है, हम इसकी तरफ चलते हैं। कहता है कि अ 5 kg स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। एक 5 kg स्टोन को हमने किसी हाइट से रिलीज किया, तो जब हम उसको रिलीज करेंगे तो इनिशियली जो उसकी स्पीड होगी, जो रफ्तार होगी इनिशियली, वो कितनी होगी? वो होगी 0 meter per second, ठीक है, 0 meter per second। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि वो जमीन की तरफ जा रहा है और उसको टाइम कितना लग रहा है? 4 seconds का। तो ये मैं टाइम लिख लेता हूँ कि भाई उसको टाइम लग रहा है 4 seconds का। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम? मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या होगा जबकि उसका मास कितना गिवन है? उसका मास गिवन है 5 kg। देखिए मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी 0 है लेकिन फाइनल वेलोसिटी तो होगी ना, और फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? vf इज इक्वल टू vi प्लस g इनटू t। जमीन की फील्ड के हिसाब से हम g पुट कर देंगे, तो vi क्या किसके बराबर है? 0 के बराबर। g की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है? g की वैल्यू हमारे पास 10 है या 9.8 आप अज्यूम कर लें, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ। तो व्हाट वी गॉट? वी गॉट 40 meter per second, ये इसकी फाइनल स्पीड है, ठीक है। और अब अगर हम जो है वो मालूम करना चाहें मोमेंटम, तो मोमेंटम क्या होती है? मोमेंटम होती है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अब मास हमारे पास कितना है? मास हमारे पास 5 है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय स्पीड हमने कितनी निकाली? 40। तो कितना आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा 200 kg meter per second। 200 का मतलब है तकरीबन 198। ये 198 आंसर इन्होंने क्यों लिखा? क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने जी की वैल्यू 9.8 पुट की हो, 10 पुट ना की। तो इसी तरीके के साथ आप उसके जो है ना करेस्पॉन्डिंग एक्यूरेट आंसर भी निकाल सकते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल सकते हैं। तो ये इसका आंसर है, व्हिच इज 190 kg meter per second। चलें लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं, और यहाँ पर क्या कहता है? यहाँ पर कर लेते हैं। चलें, सो यहाँ पर एक एमसीक्यूज है जिसमें कहता है कि टू बॉडीज ऑफ अनइक्वल मासेस, दो बॉडीज है जिनका मास डिफरेंट है। आप अज्यूम कर लें कि एक का मास m1 है तो दूसरे का मास m2 है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? प्लेस्ड एट रेस्ट ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस, किसी फ्रिक्शनलेस पर सरफेस पर पड़े हैं, ठीक है, और इनको हम दो फोर्सेस के साथ इनको अपनी तरफ खींच रहे हैं सेम टाइम के हिसाब से। तो जो बॉडी ग्रेटर मास है उसके पास क्या ज्यादा होगा अगर वो नीचे की तरफ आएगी? देखें सेम मोमेंटम दोनों की नहीं होगी क्योंकि मास डिफरेंट है, ठीक है। अब ग्रेटर मास का क्या मतलब है कि मोमेंटम ज्यादा होने वाली है कम होने वाली है? ज्यादा होने वाली है। तो ग्रेटर मास का क्या मतलब है? ग्रेटर मोमेंटम, ठीक है। तो अगर जो ग्रेटर मास वाली है वो नीचे की तरफ आ रही है तो इसका क्या मतलब है कि उसके पास ग्रेटर मोमेंटम। चलो नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। कहता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 1 kg मोमेंटम 2 newton per second इज इक्वल टू। अभी हमने रिलेशन पढ़ा था, क्या रिलेशन हमने पढ़ा था? काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, तो वो किसके बराबर था? मोमेंटम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, ठीक है। अब मोमेंटम की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में? 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, और मास कितना गिवन है? 1, सही है। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 की टेबल 4 पर 2 टाइम्स जाएगी, तो जवाब कितना आएगा? 2 जूल्स। सो द काइनेटिक एनर्जी वुड बिकम 2 जूल्स, दैट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। चलो सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन इस टॉपिक के साथ रिलेटेड है या नहीं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4, हां ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के साथ रिलेटेड है, तो जो है इसको मैं थोड़ा सा जो है वो अवे कर लेंगे फिर बाद। चल तो ये हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया इन केसेस के हिसाब से। ओके, सो अब हम चलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के थ्रू, उसके बाद हम फिर देखेंगे भाई ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, ये क्या होता है, और ये कहाँ कहाँ पर वैलिड है, इनको हम कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे हम इसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। सो अवर टॉपिक इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अच्छा देखें, कंजर्वेशन का प्रिंसिपल आप कहीं पर भी सुने तो आप समझ जाएं कि हम कोई ना कोई चीज को कॉन्स्टेंट रखने वाले हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्या मतलब है कि मोमेंटम कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट लिखी है द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, इस सिस्टम को हम डिस्कस कर लेते हैं लेकिन वो क्या रहेगी? मोमेंटम सेम ही रहेगी, ठीक है। अब सेम का क्या मतलब है कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, सही है।
अब इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम का मतलब क्या है, हम इसको इस इक्वेशन के हिसाब से भी देख लेंगे। देखें, बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो फोर्स इनटू टाइम होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा डेल्टा पी, है ना। अभी हमने पढ़ा तो फोर्स इनटू टाइम बराबर होगा डेल्टा पी, और डेल्टा पी क्या है, एम वी ए माइनस एम वी आई, सही है। अब हम बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम की, और याद रखिएगा आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कोई फोर्स अप्लाई ना हो, फोर्स अप्लाई ना हो यानी एफ की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो। तो एफ की जगह पर आप जीरो पुट कर दें तो जीरो इज इक्वल टू व्हाट, जीरो इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई, ये माइनस का एम वी आई इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, सो एम वी आई इज इक्वल टू एम वी एफ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, है ना। तो वही सेम ही कॉन्सेप्ट है भाई, अगर आप नेट फोर्स जीरो कर दें, आप बाहर वाला फोर्स जीरो कर दें, तो इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर आ जाएगी, फाइनल मोमेंटम के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पर भी मैंने इसी चीज को प्रूफ किया है। ओके, सो आगे की तरफ चलते हैं। वो कहता है कि जब आइसोलेटेड सिस्टम की हम बात करें तो गैस मॉलिक्यूल्स का हमारे पास बड़ा बेहतर एग्जांपल है। गैस मॉलिक्यूल्स को जब हम किसी कंटेनर में रखते हैं तो गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ तो फोर्स अप्लाई करती हैं, लेकिन बाहर से कोई दूसरा फोर्स नहीं लगता, तो हम कहेंगे नो एक्सटर्नल फोर्स एक्स, यहाँ पर किसी किस्म का कोई बाहर वाला फोर्स नहीं लग रहा, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्स। अगर बाहर वाला फोर्स नहीं लग रहा तो इसका क्या मतलब है कि उसकी वैल्यू जीरो है, अगर उसकी वैल्यू जीरो होगी तो इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर हो जाएगी, फाइनल मोमेंटम के लिए। ये कंडीशन याद कीजिएगा कि अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहाँ पर एप्लीकेबल है, आप कहेंगे इट इज एप्लीकेबल फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, वो सिस्टम जिसमें कोई बाहर वाला फोर्स ना लगे, अंदर वाले फोर्सेस लग सकते हैं, तो उसी सिस्टम के ऊपर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को एप्लीकेबल कर सकते हैं, यानी पहली वाली मोमेंटम और बाद वाली मोमेंटम क्या होगी, बराबर हो जाए। तो आई होप कि अब लास्ट ही पॉइंट्स होंगे हमारे पास। हाँ, ये तो हमने इस सिस्टम को यहाँ पर डिस्कस कर लिया, मैंने आपको आइसोलेटेड सिस्टम का कॉन्सेप्ट दे दिया। यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा ग्राफिकली देख लेते हैं कि इसका बेसिक मतलब क्या है और कॉन्सेप्ट क्या है। आप अज्यूम कर लें कि आपके पास कोई भी दो बॉल्स हैं, एक का बॉल m मास m1 है, एक बॉल का मास जो है वो m2 है, और दे आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखिए v1 का डायरेक्शन भी वही है, v2 का डायरेक्शन भी यही है। अब मैं कह रहा हूँ कि दोनों एक दूसरे के साथ टकराएं, तो टकराने के लिए क्या होगा, टकराने के लिए ये होगा, या तो ये स्पीड कम कर दे या तो ये पीछे वाली स्पीड बढ़ा दे। अब पीछे वाले की स्पीड हम बढ़ा देते हैं, v1 इज ग्रेटर देन v2, अब पीछे वाले की रफ्तार बढ़ जाएगी तो पीछे वाला आगे के साथ टकराएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगी कोलिजन, और टकराने के बाद क्या होगा कि मास सेम रहेगा लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, चेंज। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, चेंज। तो इनिशियल मोमेंटम किस इसकी किसके बराबर थी, m1 v1, तो मैंने m1 v1 लिखा। इसकी इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर है, m2 v2, तो मैंने यहाँ पर m2 v2 लिखा, ठीक है। और इसकी फाइनल मोमेंटम किसके बराबर हो जाएगी, m v1 prime, तो m v1 prime, और इसकी फाइनल मोमेंटम किसके बराबर है, m2 v2 prime, तो मैंने यहाँ पर अगेन m2 v2 prime दे दिया। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको याद करना है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसमें किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की जो पहली वाली मोमेंटम है और बाद वाली मोमेंटम आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी इस केस में। और ये एक यूनिवर्सल लॉ है, इसको हम कई जगह पर अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं देख लें, यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है गन और बुलेट का एग्जाम्पल, देखते हैं गन और बुलेट के एग्जाम्पल में क्या होता है। देखिए गन और बुलेट में जब तक बुलेट गन से फायर नहीं हुई तो इनिशियल मोमेंटम दोनों की किसके बराबर हो जाएगी, जीरो के, क्योंकि अभी वहां तक कोई फायर नहीं हुआ। अब ये गन है जिसका मास कैपिटल एम है, ठीक है, और बुलेट अंदर है जिसका मास स्मॉल एम है, सही है। अब जब बुलेट फायर होगी तो बुलेट बाहर निकलेगी विद स्पीड स्मॉल वी, और जो गन है वो पीछे की तरफ जाएगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। हमें पीछे की तरफ धक्का लगता है जब हम गन को यूज करते हैं ना, तो उसकी स्पीड को हम कैपिटल वी कह देते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होनी चाहिए, दोनों की बराबर होनी चाहिए। अब पहले वाली मोमेंटम क्या थी, जीरो, तो बाद वाली मोमेंटम दोनों की क्या हो जाएगी, गन की हो गई एम वी, क्योंकि गन का मास एम है और वेलोसिटी वी है, और बुलेट का भी क्या हो जाएगा, एम वी हो जाएगा। ये एम वी प्लस का है, उस साइड लेके जाएंगे तो किसका बन जाएगा, माइनस का। कैपिटल एम बी इज इक्वल टू माइनस स्मॉल एम बी। अब मुझे कैपिटल वी चाहिए तो ये मल्टीप्लाई कर रहा है, ऐसे रहा क्या करेगा, डिवाइड। तो वेलोसिटी ऑफ गन किसके बराबर हो गई, माइनस एम बी। एम बी क्या थी, मोमेंटम ऑफ बुलेट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम, और कैपिटल एम क्या था, मास ऑफ गन, यानी वेलोसिटी ऑफ गन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ गन, और वेलोसिटी ऑफ गन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम ऑफ द बुलेट, ठीक है। और नेगेटिव साइन किसको शो कर रहा है, नेगेटिव साइन शो कर रहा है रिकॉइलिंग को, ये वो जो गन है वो क्या हो जाएगी, रिकॉइल हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके के साथ हमारे पास एक और एग्जांपल भी बचता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो ये होता है मास कनेक्टेड बाय स्प्रिंग, जब हम किसी भी दो मासेस को स्प्रिंग के साथ क्या कर दें, कनेक्ट कर दें।
अब हमने क्या किया, हमने फिलहाल इनकी कोई भी इनिशियल मोमेंटम को चेंज नहीं किया, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगी इसकी, जीरो के बराबर हो जाएगी, मतलब दोनों मासेस की ये स्प्रिंग है। फिर मुझे चाहिए इसकी फाइनल मोमेंटम, तो इसको मैंने इस साइड स्ट्रेच किया, इसको मैंने इस साइड स्ट्रेच किया, यानी दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। तो इसकी मोमेंटम क्या है, एम वन बी वन, और इसका डायरेक्शन इस साइड हमने कर दिया, तो इसको माइनस कर दूंगा एम टू वी टू, क्योंकि अगर एक पॉजिटिव है तो एक माइनस होना चाहिए, ठीक है। अब ये माइनस एम टू वी टू उस साइड जाएगा, तो क्योंकि पहले वो हमने डिस्प्लेस नहीं किया था, तो जीरो इस साइड चला जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा जो है ना प्लस का। तो एम वन बी वन किसके बराबर हुआ, एम टू वी टू के बराबर हो गया। यहाँ पर देखना, एम वन बी वन इज इक्वल टू एम टू वी टू। अगर मुझे वेलोसिटीज का रेशियो चाहिए, तो वी वन मल्टीप्लाई कर रहा है इस तरह के डिवाइड करेगा, तो वी वन डिवाइडेड बाई वी टू, और ये एम वन मल्टीप्लाई कर रहा था इस तरह के डिवाइड करेगा, सो एम टू डिवाइडेड बाई एम वन। अब वी वन का एम वन के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्सली, देखिए डिनोमिनेटर में, और वी टू का एम टू के साथ क्या रिलेशन है, अगेन इनवर्सली, क्योंकि एक डिनोमिनेटर में है तो एक किसमें है, न्यूमिनेटर। और यही रिलेशन जो मैं आपको पहले बताना था कि मोमेंटम अगर कंजर्व रहेगी, क्योंकि इस केस में मोमेंटम कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी और मास का क्या रिलेशन बनता है, इनवर्स रिलेशन बनता है। तो इसी तरीके के साथ आपने जो है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ध्यान में रखना है। बड़ा सिंपल सा केस था, अब इसकी कोलिजन पर हम मजीद इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तक हमने इस चीज को यहाँ पर ही फाइनलाइज कर लिया। अब इसके मुतालिक एक एमसीक्यूज रह गया था, उस एमसीक्यूज को देख लेते हैं। ये एक एमसीक्यूज है, इसमें क्या कहता है, जिसमें कहता है कि आपने बताना है कि इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो कौन सी स्टेटमेंट बता रही है कि जो मोमेंटम है वो क्या होनी चाहिए, कंजर्व होनी चाहिए। कौन सी, ऑब्वियसली डी, देख लें डी ऑप्शन देख लें, मोमेंटम इज कंजर्व प्रोवाइडिंग नो एक्सटर्नल फोर्स। भाई सीधी सी बात है, अगर फोर्स नहीं लगेगा तो मोमेंटम क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, ठीक है। अब इसी तरीके के साथ हम थोड़े से और मजीद एमसीक्यूज इसके डिस्कस कर लेते हैं। मैं व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन आपके साथ शेयर करूंगा, अब ये ग्राफ्स मैं यहाँ से अरेज करूंगा, और आई होप कि आपको ये ग्राफ समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो चले मैं इन ग्राफ्स को हटा देता हूँ यहाँ पर, ये थोड़ा सा याद कीजिएगा, वो जो इनवर्स रिलेशन है वेलोसिटी और मास का, वो तब बनेगा जब मोमेंटम क्या होनी चाहिए, कंजर्व होनी चाहिए। चलें अब एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। एक एमसीक्यू ये है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू, भाई जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो किसके बराबर है। एक एमसीक्यूज हमारे पास ये चार हमने किए थे, ये पांचवा एमसीक्यूज है, कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू, मैं पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, आप खुद ब खुद ध्यान में रखाएंगे इस चीज को। भाई डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी हमने किसके बराबर किया था, फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो इज इक्वल टू फोर्स। ये पांचवा, ये पांच पेपर के एमसीक्यूज में वही आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। छठा एमसीक्यूज क्या कहता है, छठा एमसीक्यूज कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ढूंढनी है, लेकिन किसकी ढूंढनी है, फॉर फ्री फॉलिंग बॉडीज। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी, फ्री फॉलिंग बॉडी। भाई फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए ये चीज क्या होने वाली है, फ्री फॉलिंग बॉडी नीचे की तरफ आती है, क्यों, क्योंकि वो जमीन की अट्रैक्शन है, ठीक है, और जमीन की जो अट्रैक्शन उस पर लगती है उसे हम उस बॉडी का क्या कहते हैं, वेट कहते हैं, क्योंकि वो है तो फोर्स ही ना, एक किस्म का वेट आपने पढ़ा है mg के बराबर, ठीक है, तो वो एक किस्म का क्या है, वो हमारे पास फोर्स ही है, तो हम कहेंगे कि ये वेट के बराबर है। याद रखिएगा इस एमसीक्यूज को, ये पास्ट पेपर के एमसीक्यूज है मेरे पास, ठीक है, ये मैं शेयर करूंगा आपके साथ। तो ये छठा एमसीक्यूज यहाँ पर हुआ। सातवां एमसीक्यूज क्या कहता है, सातवां एमसीक्यूज कहता है चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू, यानी डेल्टा पी पूछ रहा है, हाँ फोर्स इनटू टाइम के बराबर था, लेकिन उसको हमने क्या कहा था, उसको हमने कहा था इंपल्स। सो चेंज ऑफ मोमेंटम इज इंपल्स, बल्कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, ठीक है। उसके बाद आठवां एमसीक्यूज कहता है कि जो पी स्क्वायर बटे टू एम था, इसका सेम यूनिट है एज डेट ऑफ, सेम यूनिट एज डेट ऑफ। देखें ये चीज बराबर किसके है, काइनेटिक एनर्जी के, तो आप कहेंगे ये इसका यूनिट सेम है जो किसका है, एनर्जी का, सेम यूनिट एज डेट ऑफ एनर्जी। याद रखिएगा जो एनर्जी का यूनिट है वही इस क्वांटिटी का यूनिट है। इसी के साथ ही ये आठ एमसीक्यूज मुझे डिस्कस करने थे, तो वो एमसीक्यूज हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी अबाउट कोलिजन, इट्स टाइप्स एंड इट्स केसेस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।